हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं मसूर दाल बनाने के लिए। इसके लिए हम दो टमाटर सब्जी वाला दाल बनाएंगे, प्याज लिए हैं, दो कद्दू टुकड़ा लिए हैं। चलते हैं बनाने के लिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा चना दाल भी है। बन के बहुत अच्छा तैयार होता है दाल। एक बार आप बनाइए, खाइए। देखिए, हम कुकर बैठा दिए हैं, गर्म हो गया है। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डाले हैं, एक बड़ी इलायची, दो तेज़पत्ता और थोड़ा सा हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे। इसमें प्याज डाल रहे हैं, प्याज थोड़ा, दो प्याज है, बड़ा बड़ा साइज के प्याज हम छोटा छोटा पीस में काट लिए हैं। दो कड़ी पत्ता है, इसमें डाल देने से दाल बहुत टेस्ट बनता है। कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। थोड़ा सा प्याज लाल होने के बाद दाल को हम अब डालेंगे। दाल को भी दो मिनट तक भूजेंगे। दाल में सुनहापन आ जाने के बाद दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, सब डाल करके मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको भूनना पड़ता है, कम से कम एक से दो मिनट तक खूब भूनिए, चला चला करके। इसको भूनने से इसका सुनहापन आता है, दाल का टेस्ट बढ़ जाता है। एक बार फ्रेंड्स बना के आप खाइए और कमेंट में लिखिए कैसा बना है। सब्जी भी इसी में डालेंगे, कद्दू, बैंगन, आलू सबको इसमें डाल करके दाल में मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद इसको भी 30 सेकेंड तक भूनेंगे, अच्छे से चला चला कर। फिर हम दो कप, ढाई कप पानी डालेंगे। एक पाव वाला कप है, अपने अंदाज से आप पानी डालिए, कितना आपको गाढ़ा रखना है दाल को। हम अपने अंदाज से डाल रहे हैं पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अंदाज से डालना है। अब कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे। चार सीटी लगने के बाद हम आपको दिखाते हैं दाल कैसा बन के हुआ। फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को, हो सके तो शेयर भी करिएगा दोस्तों में। देखिए, मेरा दाल बन के तैयार है। देखिए कितना मज़ेदार दाल दिख रहा है, एकदम गल के अच्छा बना है। थोड़ा से हम रिफाइंड तेल डाल रहे हैं, जीरा डाल रहे हैं एक चम्मच, फिर दो कड़ी पत्ता हम डाल रहे हैं, थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, सीखा अनुसार अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पूरा अच्छे से इसको घी तेल में, जीरा में मिला मिला करके भून देंगे। भूनने से इसका सुनहापन टेस्ट आता है। उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, दो टमाटर हम थोड़ा छोटा पीस में काट लिए थे। इसको अच्छे से मिला मिला करके मसाले के साथ अब थोड़ा से हल्का से हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे। दाल में हम नमक डाल चुके हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे कलर आने के लिए, धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, जीरा पाउडर डालेंगे, काली गोल मिर्च के पाउडर डालेंगे, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। सबको मिला लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से मिला मिला करके मसाले को फिर अच्छे से मिला करके भून देंगे। भूनने से मसाला अच्छा दाल में मिक्स हो जाएगा। देखिए, मसाला भून गया है। दाल को इसी में हम पलट देंगे और उसके बाद थोड़ा से हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा एक चम्मच घी डालेंगे। मेरा दाल बन के तैयार है। इसी तरह से मेरा दाल बनाइए फ्रेंड्स, खाइए और कमेंट करिए कैसा बना है। थैंक यू।